सामने आ। वेट 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 वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर द प्रेस। जितने भी आप लोग यहाँ पर आए आज, मैं जानता हूँ बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं आज, और उसमें आप लोग यहाँ पर आए हमारे लिए वक्त निकाल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल ऑल्सो कीप इट वेरी शॉर्ट। ये गाना पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, आशा जी की तरफ से आपको सभी को शुभकामनाएं। वो इस समय लंदन में है तो वो नहीं आ पाई, अभिजीत दा भी रस्ते में है वो नहीं आ पाए, विशाल मिश्रा जो हमारा टैलेंटेड कंपोजर है, और विराग जो है वो पीछे जिन्होंने इसको लिखा, वो भी अभी भी पहुँचे हैं। तो मैं पहले आपको उनका तारुफ करा दूँ उनसे। ये विशाल हैं, वो विराग हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत गाने को क्रिएट किया है एक्चुअली। और जब विशाल मेरे पास गाने को लेकर आए पहली बार, तो उन्होंने, एक तो बहुत टैलेंट है, सिंगर है खुद एक्चुअली, इतना अच्छा गाता है, हर गाना अच्छा लगता है, और पियानो अच्छा बजाता है, गिटार्स अच्छे बजाते हैं, म्यूज़िक की बहुत अच्छी सेंस है। तो वो जब सुनाया मुझे गाना उन्होंने, तो मुझे लगा कि ये तो गाना इतना अच्छा है कि ये सिर्फ अकेले मैं गाऊँ तो उसके साथ में इंसाफ नहीं होगा, ये गाना हमसे बड़ा है। तो मैं सोचा कि इसको जो स्टॉलवर्ड्स हैं, एक थोड़ा साइलेंस प्लीज, जो स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उनसे रिक्वेस्ट की जाए। तो मैंने पहला कॉल शान को किया, कहाँ है शान, हाँ बैठे, हाँ पहला कॉल मैंने शान को किया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करना है, कर सकते हैं ऐसा, कहते हाँ चलो भाई कर दे। फिर अभिजीत दा को, सुरेश जी को फिर कॉल किया हमने, फिर अलका जी को कॉल किया, एंड लास्ट में हमने आशा जी को बोला कि हम, तो आशा जी पहले थे कि इतने लोग आ रहे हैं मैं कैसे आऊँगी, मैं क्यों, मैं कैसे, इतने लोग सबके बीच में मैं कैसे आऊँगी। फिर मैंने बोला अच्छा गाना सुन लीजिए, तो मैंने सेंट द सॉन्ग, शी सेड अरे गाना तो बहुत अच्छा है, चलो मैं इसमें आ जाती हूँ। तो शी ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट। दिस वन सॉन्ग विद सिक्स डिफरेंट सिंगर्स, एंड किसी ने भी किसी का वर्जन नहीं सुना, मतलब मैं होके भी मैंने नहीं सुना था, पहले मैंने गा दिया उसके बाद सुना सबके, ताकि सबका अपना अपना रंग आए उसमें, कौन इनके लिरिक्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कौन की कंपोजिशन को कैसे कर रहा है। अब मैं सुन लूँ किसी और का, तो फिर मैं उनकी तरह से गाऊंगा या ऐसा आएगा, सब हर किसी ने अपने इस गाने को अपना एक अलग मुख्तलिफ। अरे दादा अब तक लेट आते दादा, क्या कहते बैठो, थाने वाले मॉल पे गया था, थाने वाले मॉल से आया था, बैठो आई प्लीज। सुरेश जी ये आपके ऊपर माल की बात करने की नहीं है, ऐसे कैसे सर, ये हमारी भी गई अब तो माल की बात करने की उम्र, सिद्धांत की है वो, कहाँ इधर सिद्धांत की, हाँ उसकी उम्र है माल, माल की बात करने की, हम तो माल की बात करिए, सब शांत बैठे हो सब। यस सो उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। हमने सोचा था काफ़ी IDW प्लेबैक्स म्यूजिक, जिस कंपनी का हम, मैं खुद हिस्सा हूँ, जैसे कि कैसे इसको किया जाए, पहले कई बातें आई साथ में, नौशाद साहब तो हमारे साथ बाद में जुड़े, पूरी इनकी टीम इंडी लेबल जो है, और जैसे मेरी मुलाकात अभी हुई है पहली बार, तो कैसे हमने सोचा कि इसको एक के बाद एक लाएँ, कि एक गाना पहले ले आए, फिर सेकंड लाएँ, फिर थर्ड लाएँ, उसमें क्या होता है उसको डाइल्यूट हुआ था। तो हमने सोचा कि ये जो छः उंगलियां हैं इसको ऐसे मुक्का बनाते हैं और एक साथ थार छोड़ते हैं, छः के छः वर्जन एक दिन। तो आज ये छः वर्जन एक साथ रिलीज़ हो रहे हैं। वीडियो के लिए हमने सिद्धांत से रिक्वेस्ट की, मेरे हिसाब से मैं इसको बता दूँ, वैसे तो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरे हिसाब से, और मैं ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, मतलब मैं वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स, जितना सुंदर ये वैसे है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये अंदर से है, और ये इतना अच्छा खुद भी गाता है, खुद अच्छा डांस करता है, वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड इसमें वो जर्म्स ही नहीं है जो एक एक क्या बोलते हैं उसको, ईविल बोन वो भी नहीं है, इतना सीधा इतना अच्छा लड़का है। एंड थैंक यू सिद्धांत फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई लाइक टू कॉल विशाल, तो विशाल एंड विराज अभी आइए प्लीज़। ये तो है हमारे जिन्होंने गाना, जिनकी ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज। मेरे लिए जिस दिन ये गाना बना था, जिंदगी पहली मुखड़ा बनाया, और यूजुअली होता है जब कोई गाना बहुत अच्छा लगता है तो भैया को सुना देता हूँ, तो भैया को सुनाने गया और भैया ने बोला ये गाना सबके साथ करना चाहिए। एंड जिस दी आइडिया, इतना एक्साइटिंग था ये आइडिया हमारे लिए सबके लिए, कि सारे लोग और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीइंग सच अ फ्रेशर इन द इंडस्ट्री एंड गेटिंग टू डू अ सॉन्ग विद सुरेश जी, गुरु जी, आशा जी, अभिजीत दा, शान भैया, अलका जी एंड देन भैया इट्सेल्फ, सो ये एक जर्नी थी मेरे लिए करीब 4-5 महीने की, जिसमें सबका एक्साइटमेंट देख के इतनी खुशी हो रही थी कि यार एक अच्छा गाना बन गया है, तो
सब लोग जुड़ गए और सब अच्छे लोग मिलते गए। विराग भैया को ट्यून सुनाई तो भैया ने एक बार में लिरिक्स लिख दी, फिर दूसरा अंतरा बदल दिया तो उन्होंने दूसरा अंतरा भी लिख दिया, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। फिर गीत ने इतना खूबसूरत शूट किया, सिद्धांत ने इतने अच्छे लग रहे हैं सब लोग, आई थिंक द पॉजिटिविटी इज शोइंग इन एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई एम सो ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू भैया, आई लव हिम। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा मेरी जिंदगी में अभी तक कुछ हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। एंड पापा भी आए हुए हैं आज, तो माय फादर इज देयर एंड इट्स जस्ट अ ब्लेस्ड मोमेंट फॉर मी एंड आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ITW बंटी सर एवरीबडी एंड नौशाद जी, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड एवरीबडी हु हैज मेड दिस पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल काम है, छः लोगों को जोड़ना भैया से स्टार्ट होते हुए, देन इट गोज टू द मैनेजमेंट लेवल एंड इवन माई टीम, आई थिंक एवरीबडी हुज बीन ऑन दिस सॉन्ग, इट्स आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। ही इज अ मैन ऑफ, वो लिखने में खूब सारे शब्द निकलते हैं, बोलने में कम निकलते हैं, पर कुछ कोशिश की जा सकती है आज। गाना लिखना मेरा भाग्य है, लेकिन सोनू भैया के लिए, सुरेश जी के लिए, आशा जी के लिए, अवजीता के लिए, मेरे भाई शान के लिए, अलका जी के लिए गाना लिखना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। समझ गए। एक छोटी सी बात आई लव टू शेयर, भैया को मैंने बताई थी, वो मैं उनको बताता रहता था जब भी हो रहा था। आशा जी को जब भैया ने फोन किया गाने के लिए, तो आशा जी कैसे होगा और गाना होगा तो सब लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको भैया ने गाना भेजा, शी लाइक्ड इट। फिर हम उनके घर गए, आई वेंट टू हर हाउस, उनको गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कबाब बना के खिलाया एंड फिर उन्होंने बोला यू लाइक पंचम, तो मैंने कहा जी मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे पंचम का हारमोनियम दिया, तो सेकेंड अंतरा मैंने उनको वहाँ पे पंचम दा के हारमोनियम पर रिहर्स कराया। सो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी, तो बहुत बहुत मजा आया भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। We all had a great time. I think इसके बाकी सब जो मैं before Siddhant talks about the video, I'd like to call आदरणीय सुरेश जी, अभिजीता, शान भैया, अलका जी तो है नहीं और आशा जी नहीं है, आशा जी दोनों बाहर गए हुए, दोनों लंदन में एक्चुअली दोनों ही हैं, तो सुरेश जी प्लीज कम करो। अभिजीता कहाँ हैं दादा? अच्छा बा वो ना, अच्छा आइए कम करो दादा। Sid, before the singers take over, I want you to just speak about the video process and then we will... It's actually the biggest honor of my life to have featured in the video with the vocals of all the legends. So maybe I'll give you one more hug actually. Jab bhi main video ke baare mein sochta hu, jab se humne shoot kiya, I must say this, only an evolved mind as his can come up with an idea where all the legends come together. And industry is usually insecure, but jo legends hote hain, they are never insecure, they all are secure. So they came as a team and performed this and it's outstanding. Geet, Gaurav, thank you. Ye dono nahi hote to aisa video nahi hota. We remember ki bahut zyada pressure tha hamare pe jab hum Georgia ja rahe the, because no matter what we do, we can never surpass this. But we wanted to do justice to it. I hope we achieved it. बंटी जी, सिद्ध, सिद्धार्थ एंड मनीष, थैंक यू सो मच ITW, दे आर द बैकबोन ऑफ दिस। सो सिद्धार्थ, आई रिमेंबर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज अ ब्लंट गाय, आई न्यू कि मैं उन्हें बार बार मिलने वाला हूँ, सो ही वाज लाइक तू ही चाहिए था भाई, तू ही चाहिए था, मैंने पहले दिन से बोला था। एंड मनीष थोड़ा सा फाइनेंशियल है तो वो ऐसे शांत था, मैंने कहा ये मुझे देख के खुश नहीं लग रहा है, तो मैंने मनीष को बोला यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था। बट बंटी जी, लव यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ फैमिली वी हैव क्रिएटेड, आई होप आप सबको गाना बहुत अच्छा लगे, थैंक यू। सुरेश जी जो बहुत अच्छे स्लो स्पीड में बात करते हैं, पर जब बोलते हैं तो इनकी बातों से फूल बहते हैं, जितना सुर में गाते हैं, जैसी अभी रब्बानी ने अच्छी बात बोली, जैसी शक्ल है वैसी आवाज़ है, सुंदर सी शक्ल सुंदर सी आवाज़। सुरेश जी, सभी उपस्थित भाई बहनों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा प्रिय लाडला बेटा
सोनू निगम, क्योंकि इसका फ़ोन आया कि गाना करना है, मेरे लिए आपने गाना गाना है, तो कुछ पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता था कि कौन क्या है, किसके लिए है, क्या है, ये तो इंडस्ट्री का क्वेश्चन होता है, हमारा नहीं। जो प्यार होता है ऐसे, तो और इतना खूबसूरत गाना मुझे भेजा गया विशाल ने गा के, इतना टैलेंटेड बच्चा है ये, थोड़ा सा मीठा कम खाए, बहुत लंबा काम करना है, क्योंकि जब मिला हूँ उसके और आज के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है। तो इतना अच्छा गा के भेजा था उसने, फिर मैंने सोनू को फ़ोन किया, सोनू यार मैं ठहरा पुराने ज़माने का आदमी, मैं गा पाऊँगा? तो बोलते आप ही गाओगे। और प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो विशाल ने इतना अच्छा गा के भेजा था, उसके बाद सोनू का वर्जन मैं गाने के पहले सोनू का वर्जन सुना मैंने अपने स्टूडियो में, हाँ, और इस दोनों की वर्जन के सामने मैं थोड़ा सा कच्चा ही लग रहा हूँ। तो तो बहुत अच्छा गाना है और आप सब लोगों ने देखा ही है। अब मुझे लगता है कि मैं क्या ITW का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इन जवान बच्चों में एक लंगड़ी गाय भी ले लिए। मैं तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सोनू, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और आप ज़रूर इसको, इसके बारे में आप लिखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। खाली बिग बॉस के लिए लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है ही, हम भी बिगेस्ट बॉस हैं, तो हमारे लिए लिखना आपका फर्ज बनता है, ताकि इस चीज़ को भी एक अच्छी जगह मिले जो आपके हाथ में है। तो गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग इसको प्यार करें और आशीर्वाद दें। वंस अगेन सोनू और विशाल और ITW का बहुत बहुत आभारी, और विराज जी थैंक यू वेरी मच, शान जी और अभिजीत दाद ने, और हमारा हीरो हीरोइन कहाँ है? इसको बंदरिये जो थी वो नहीं, बंदर था। ITW को रिक्वेस्ट है कि जॉर्जिया की टिकट मेरी बनवा दे जल्दी से। नॉट रियली, मेरी हालत बहुत अच्छी है इस समय कि मैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल बच्चन साहब की तरह आएगी। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है तो हम समझते हैं कि वी ऑल आर कंपटीटर्स, और उनके बीच में इस तरह से एक आपस में ये जो कोऑर्डिनेशन है, मेलोडियस कोऑर्डिनेशन, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे विशाल ने सोनू जी का और किसी का वर्जन सुनाया नहीं, तो मैं नर्वस हो जाता, फिर नहीं गा, ना बोल देता था मैं नहीं आऊँगा। अब मैं बहुत फेमस हूँ ना बोलने में, अच्छा हुआ। लेकिन सुरेश जी ने जब मेरा सुना तो सुरेश जी समझ गया कि कितना अच्छा गाया उन्होंने, इसलिए मेरे आपको गला काफ़ी खराब है ना, तो आज आप इतने काफ़ी है। सुनो अगर आप इजाजत दे तो मैं
बाकी का मैं कर देता हूँ उनके लिए, जो उनका कहना दिल में जो बातें थी। नहीं नहीं, एक्चुअली एक बात जो मैं हम सब के बिहाफ में कहना चाह रहा था, सिद्धार्थ ने ऑलरेडी कह दिया इस बात को, कि जब बहुत खूबसूरत कोई चीज़ आपको मिलती है, दिखती है, तो आप किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं लगता है कि ये बस मेरी होनी चाहिए। तो एक बहुत ही यू नीड टू बी रियली सिक्योर अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन टू वॉन्ट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो ये बात, और ये चाहे जिगर की बात हो या फिर ये दिल की बात हो, लेकिन ये दिल, ये जिगर मेरे सोनू, मेरे इस इंसान में है, सोनू निगम। और इट्स अमेजिंग, शायद अगर मुझे इफ आई वाज इन हिज प्लेस, मैं बहुत खुशी खुशी खुद गा लेता और फिर पूछता ये अंदर की बातें हैं सर, बट आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ सोनू, नॉट जस्ट आई मीन ऑफकोर्स आई हैव ग्रेट ग्रेट इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन आर्टिस्ट, बट एज एन ह्यूमन बींग टू डू व्हाट ही डिड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और जिस दिन रात को जब फोन आया, तो मैं उस दिन तो कन्फ्यूज था, बिकॉज दे वर बहुत एक्साइटेड थे, और किस बात की रात, ये तो सुबह सुबह फोन करता 3 बजे। हाँ मतलब वही रात जो सर अंदर की बात है, आप क्यों, आपकी आवाज़ तबीयत ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, क्या क्या बातें बता देंगे। तो जब मैंने गाना गाया भी, आई हैड नो क्लू अबाउट द कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगा कि जैसे मन होता है कि आप सब गाने गाते हो, उसमें से दे सिलेक्ट 2 लाइंस 3 लाइंस करके एक कॉम्पलेटेड एक गाना बनता है। तो फिर जब उन्होंने बताया कि ऐसा है, फिर मुझे लगा अरे ये तो मतलब अजीब हो जाएगा कि सब एक ही गाना गा रहे हैं, लेकिन अब जब देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि हर एक, या सुन भी रहा हूँ एक्चुअली, आजकल हम म्यूज़िक ज़्यादा देख ही रहते हैं, कि सबकी अपनी रंग है, अपना कलर है, और आई थिंक इट्स गोइंग टू टर्न आउट समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक मैसेज भी है टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टू डिफरेंट पीपल, कि म्यूज़िक में हम सब एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, और म्यूज़िक में कोई कोई अलग भाव भेद नहीं है। और आई वुड लव्ड इट अगर विशाल आपका भी, आप क्यों ही एक और नेक्स्ट न्यू जनरेशन के भी किसी एक को साथ में कर लेते, वुड बीन फैंटास्टिक। लेकिन हाँ, अभिजीत दा उस खास इस प्रोजेक्ट में आए हैं, और बस थैंक यू सो मच, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। और ये लगता है कि ट्रेंड बन जाएगा, बनिस्पत की एक गाना 10 लोगों ने गा के किसी एक का रख दिया है, इससे अच्छा 6-6 जने एक गाना गा रहे हैं। और उसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर को और बनाने वालों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हल्दी मजा अभी उनको कैसे समझाऊं कि ऊपर ये सूखने हो रहे आगे बढ़ना है सामने सब लोग सामने यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सोनू निगम साहब का और विशाल का, कि मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत गाना उन्होंने गाने के लिए दिया। और ITW का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस गाने को वो रिलीज़ कर रहे हैं। और हमारी सबकी लाडली, हमारी आशाताई, शान, सोनू, अभिजीत, अलका और मैं, हम लोगों ने गाए हुए हैं।
अपने अपने वर्जन्स, सेम गाना और बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत मेलोडियस गाना है, विशाल ने बनाया है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बहुत उम्मीदें हैं उससे, उसका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है और मैं यही चाहूँगा भगवान से कि ये गाना लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बहुत मेलोडियस गाना है और अच्छा लगेगा लोगों को, लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत दुआएं देता हूं कि ये गाना जल्दी से लोगों के सामने आ जाए, मतलब आज तो रिलीज़ हो ही गया है और लोग पसंद करें। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है ना, देखिए आप सोचिए कि आशा जी से लेके शान तक, सोनू तक, हम मतलब पूरे क्या कहते हैं ना कि कवर हो गए हैं सब, और एक गाना अपना अपना इंटरप्रिटेशन अपना बना के कैसे पेश किया जाएगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा ये गाना। और आप सब लोगों ने सुना ही है अभी कि क्या लाजवाब आशा ताई ने गाया है, अलका जी ने गाया है, शान ने गाया है, सोनू ने गाया है, अभिजीत ने गाया है। बहुत अच्छा, अभी आज ही मतलब ये बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 6 जने गा रहे हैं, पहले तो सोनू का फ़ोन आया कि मुझे ऐसे ऐसे गाना गाना है, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ पूछी नहीं उनको, क्योंकि सोनू कर रहा है कुछ बढ़िया ही चीज़ कर रहा होगा और मुझे एक इतना बड़ा गायक मुझे गाना गाने के लिए बुला रहा है अपना, तो कितनी बड़ी बात है। और विशाल ने ये गा के भेजा था, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इतने सारे सिंगर्स गा रहे हैं तो और भी अच्छा लगा, फिर आदमी और ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। मेरा गला बहुत ख़राब है, जितना भी बोल सको उतना भी लेना। ऐ जिंदगी में, जिंदगी बहुत बड़ी है, हम लोग ने बहुत लंबी जिंदगी जी है और फाइनली जिंदगी बड़ी क्या होती है एक सिंगर के लिए, वो एक उदाहरण, वो एक एग्जाम्पल होगा इस प्रोजेक्ट में। किसी को नहीं मालूम था कौन क्या गा रहा है, जब मुझे सोनू ने बताया कि दादा ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और आपको भी इस प्रोजेक्ट में गाना है, तो मुझे लगा कि हर सिंगर का अलग अलग वर्शन होगा, सो मैं उसी हिसाब से मैंने अपना वर्शन गा दिया, या मेरा हर सिंगर का अलग अलग गाना होगा ऐसा मैंने सोचा था, तो मैंने सोचा ये मेरा गाना, मैंने गा दिया। बाद में जब मालूम पड़ा मैं तो नर्वस हो गया कि ये वर्शन सब सिंगर्स लोग एक ही गाने को सब लोग गाएंगे, एंड आई वॉज रियली, फिर मालूम पड़ा आशा जी भी गाएंगी, सुरेश जी भी गाएंगे और शान तो थे ही सर, शान, अलका जी, सोनू और मेरा, ये तो पक्का था। सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था और टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्ट, कि ये एक पहली बार इतने युगों, 100 साल, 200, 300 साल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक गाने को इतने लोगों ने एक साथ गाया। आजकल का ट्रेंड ये है कि एक गाने को 20 से 27 लोग गाते हैं, उनमें से किसका रहेगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर भी एक फिल्म में 20 होते हैं और एक गाने में 27 सिंगर होते हैं, किसका वर्षन रखेगा किसी को नहीं मालूम। बट दिस इज़ द स्लैप टू दोज पीपल, उनके मुँह पर एक थप्पड़ है, जो लोग 22 लोगों से गवाते हैं, 22 म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुंह में थप्पड़ है जो लोग ऐसा काम करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि लोग अब हम लोगों को कॉपी करेंगे, हमारे फुटस्टेप पे चलेंगे कि एक ही गाने को डिफरेंट डिफरेंट वर्शन निकालो, मालूम पड़ जाएगा कौन कितने पानी में। एंड वी हैव स्टार्टेड इट, वी आर द ट्रेंड सेटर, एंड हैट्स ऑफ टू सोनू, ये गट्स की बात है, एंड लॉन्ग लिव हम सबको लिए, गॉड ब्लेस यू, बी म्यूजिकल, बी पॉजिटिव। Ready?
हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक। कैसा लगा सॉन्ग? बहुत सुंदर लगा। मैं भी यही मानती हूँ कि ज़िंदगी को हर तरीके से जीना चाहिए और कोई भी लम्हा आपको खोना नहीं चाहिए। तो बहुत प्यारा लिखा है और ये सब लोग मेरे घर के लोग हैं। सोनू जी मेरी जान है, सिद्धांत मेरी जान है और बाकी भी सारे सिंगर्स को मैं बहुत बहुत मानती हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा लगा था कि मेरे घर वालों को मैं देख रही हूँ एंड उन लोगों ने सच में एक बहुत खूबसूरत गाना पेश किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो मेरा सबसे पसंदीदा वाला शान का था। आई नो सोनू जी मुझे तपली मानेंगे लेकिन ओके, मुझे बहुत पसंद आया शान का, मुझे वो छू गया। उसके बाद सुरेश जी का मुझे बहुत पसंद आया। 6 लोगों ने गाया है, आशा भोसले जी ने गाया है और उनकी आवाज़ में वही पुराने ज़माने का जो सेंशुअल मेलोडियस आवाज़ जो उनकी है, तो वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, 6 सिंगर्स ये गाना गाए। आई रियली एंजॉयड इट, रियली नाइस। म्यूज़िक वीडियो में मैं दिखने वाली हूँ मुझे ये नहीं पता लेकिन म्यूज़िक वीडियोस का ट्रेंड हमेशा से रहा है, बीच में ख़त्म हो गया था, फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक दिया जा रहा था और अब जाके वापस से चालू हो रहा है। मुझे याद है पुराने ज़माने में कैन घोष इतने मशहूर थे म्यूज़िक वीडियोस को सामने लेने के, तो आई थिंक मोर डायरेक्टर्स शुड कम फॉरवर्ड और ऐसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को लॉन्च करना चाहिए। सोनी का ये इनिशिएटिव है तो आई एम वेरी प्राउड। आज मैंने इंडियन पहना हुआ है, लारिडा डिजाइन, नेहा और पूजा ने मुझे ये दिया है। इट्स मुझे ट्रेडिशनल पहनने का मन किया तो इसलिए मैंने ट्रेडिशनल पहना हुआ है। सो लास्टली क्या पूछना चाहते हैं आप बेटे सोनू सर? मैं सोनू जी को यही कहना चाहूँगी दैट आई लव यू वेरी मच एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट एवरीथिंग दैट यू डू, क्योंकि आप सच में दिल से काम करते हैं और हमेशा हमेशा न्यू कमर्स को सहाते हैं। सिद्धांत को कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे और सोनू जी जैसा मेंटर मिलना ज़िंदगी में एक ऐसा बून है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी तरह दिल होना सबके बस की बात नहीं है एंड सोनू जी ही इज़ अ लेजेंड एंड आई रियली You're the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. सबने अच्छा से बोला, ठीक ठीक बोला। मैंने बोला आज हम लड़की वाले तो हम लास्ट में इंटरव्यू करेंगे। लड़की वाले खाना लास्ट में खाते ना, मतलब सबको जाना तो पहले लेट दे मॉल के। जी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबने आपकी तारीफ की, नहीं इसमें आप सच्ची बताओ, मैं इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इसमें तो मेरा स्वार्थ है क्योंकि मैं इन लोग जैसे शान ही मेरे हम उम्र हैं एक तरीके से, बाकी सब तो मुझे सीनियर ही हैं। आशा जी तो सबकी दादी है जो सारे सिंगर्स में से, सुरेश जी को सुन के हम बड़े हुए हैं, अभिजीत दा हमसे सीनियर हैं, उनको सुन के हमने स्टाइल सीखा कि कैसे सॉफ्ट गाते हैं, कैसे क्या करते हैं या फन गाना कैसे गाते हैं। अलका जी तो हमने उनको मतलब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो ये मैं जहाँ जहाँ स्ट्रगल करने जा रहा हूँ वहाँ वो गा रही है, यहाँ भी गा रही है, यहाँ भी गा रही है, तो मेरे लिए सौभाग्य है कि वो लोग जिनको देख के मैं ऐसे ऐसे करता था वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। जैसे मेरा स्वार्थ है उसमें, मेरी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, खासियत कुछ नहीं है। शुरुआत मैंने बताया ना आपको, विशाल मिश्रा मेरे छोटे भाई जैसा है, बहुत मुझे प्यार करता है, तो वो जब भी कुछ अच्छा बना के लाता है वो लेकर भैया ये बनाया मैंने, भैया ये गाना बनाया, तो ये मेरे पास आया है, इसलिए पियानो पे गाना सुनाया मैंने। बोला यार ये गाना वेस्ट ना हो जाए, मतलब तो आजकल फिल्मों में लेते नहीं लोग, ऐसा गाना नहीं लेंगे, सिंगल को बजाएंगे नहीं ठीक से, तो गाना अच्छा आप लोग सुने कैसे? जब तक या गाने में माफ़ी चाहूँगा कोई शरारती वर्ड ना हो तो फिर लोग इसको पॉपुलर होने देते नहीं हैं। ये एक शरीफ गाना है जिसमें ज़िंदगी का एक फ़िलासफ़ी की बात की जा रही है, म्यूज़िक अच्छा है, कंपोज अच्छा कर रखा है, लिखा अच्छा है, इसको कैसे लोगों तक लाया जाए क्योंकि इतनी भरमार है, हर रोज़ हज़ार गाने आते हैं यूट्यूब में, क्या क्या सुनेंगे आप लोग, तो कुछ नया हो। उस नए के लिए मैंने सोचा कि मैंने पहले शान को कॉल किया, मैंने बोला भाई कर दें, कहते करते हैं। देन आई टोल्ड अभिजीत दास, सुरेश जी, अलका जी को मैंने फ़ोन किया, कहती हाँ करते हैं। लास्ट में आशा जी को मैंने फ़ोन किया,
बट मुझे ये आई थिंक मेरी गुडविल है शायद कि लोगों ने मेरी बात को सीरियसली समझा, ये भी विश्वास रखा कि मैं अपने को आउटशाइन करने करके बाकी को कम नहीं करूँगा, ये भी उनको विश्वास था कि आई विल डू प्रॉपर जस्टिस टू ऑल ऑफ देम। तो सबका वर्जन सुन रहे हैं आप लोग और मेरे ख्याल से लोगों के लिए ये एक तोहफा है हमारा। नहीं ऐसा नहीं है, अब जैसे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़े, अच्छा गाना था, अच्छा लिखे हुए गाने, कई गाने और भी जो मैंने नहीं गाए, कई गाने बहुत अच्छे आते हैं, पर क्या अच्छी चीज़ मिलती रहे तो बेटर है ना, कोई ये तो नहीं कि मुझे इतना ही चाहिए। अगर आपको हमेशा कुछ अच्छा मिलता रहेगा, आपके बच्चे कुछ अच्छा सुनेंगे, कोई मान लीजिए आपके बच्चा गाता हो, उसने जिंदगी उस सुनेगा तो उसको मालूम पड़ेगा यार मैं किसी, जब मेरे पापा मम्मी मुझे बोलते हैं कि कहीं बेटा अच्छा गाना सुनाओ तो मैं ये गाऊंगा। ऐसे गाने बनाएं जो आपके बच्चे स्कूलों में गा सकें, या आपके बच्चे गैदरिंग में बोलते हैं बच्चे बच्चे हमारा बच्चा बड़ा अच्छा गाता है, हमारा बच्चा बच्चे गा गा गा, तो कोई गाता कल होना हो, कोई गाता है अभी मुझ में कहीं, कोई आशिकी 2 गा देगा, ये गाना वैसा है कि लोग आएंगे ऐसे ऐसा है। इसकी सॉरी क्या क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा एक्चुअली देखिए जिस बारे में मुझे पता नहीं है मैं हमेशा वही बात करता हूँ जिसके बारे में मुझे पता हो, ये मेरे मतलब नॉलेज के बाहर की बात है, मैं कुछ और जानकारी हासिल करूँगा फिर आपको बताऊँगा। सिंगर्स की बात करें जी, अनुज जी हाँ मैं एक बार भी देख पाया, लेकिन मेरे ख्याल से हम उनकी बात करें यही गलत बात है, इससे हम कितने छोटे हैं ये समझ में आता है। अनूप जी हमारे आपके आपकी फैमिली में जब भजन होते होंगे तो उनको सुन के बड़े हुए हैं, हम भी बड़े हुए हैं, उनको हमारा क्या हक बनता है उनकी प्राइवेट लाइफ में बात करने का? वो एक से साथ अफेयर करें, 6 के साथ करें, 10 के साथ करें, हमारा क्या जाता है? हम कौन होते हैं उनकी बात को, तुमने ये क्यों किया वो क्यों किया, हम कहाँ से बड़े सच्चे अच्छे हो गए? सो ये बात करना ही रॉन्ग है, और इस बारे में उनका मजाक उड़ाना या उनके बारे में मीम्स बनाना उनके बारे में जो इस कम्प्लीटली रॉन्ग, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। थैंक यू। सोनू सर ने बताया है कि एक फोन कॉल करते ही अपना मैंने हाँ कर दिया कि हाँ मैं ये करूँगा सर, या फिर इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल, एक्चुअली जब उनकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी, जो एक था कि भाई ये गाना करना है और यू विल रियली एंजॉय द सॉन्ग, तो मैं समझ ही गया कि कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। और वैसे तो एक फ़ोन कॉल पर इस तरह की हमारी दोस्ती या भाईचारा कहें कि वो तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मुझे मैंने जब गाना सुना और वाकई मुझे ये लगा कि इतना खूबसूरत गाना है, और यू नो जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये ना सोचता कि इस गाने के और भी लोग गाएं, ये होगा, मैं खुशी खुशी बहुत ही मतलब चाव से पूरा गाना गा देता। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग दैट सोनू हैज शोन सच ग्रेट जेनरोसिटी, सच एक ओपन माइंडेडनेस, एक इनसिक्योर तो छोटी शब्द हो जाती है, बट एक बेनेवोलेंस आप कह सकते हैं कि चलो सब मिलकर गाते हैं, क्योंकि ये गाना ही इतना खूबसूरत है। और आज की जो मेलोडी हो रही है, आज की जो बातें होती हैं, जो लिरिक्स होती हैं, तो गाने ऐसे बनते हैं कि आप वो 3-3.5 मिनट में जब आप गाना ख़त्म होते होते हो ना, गाना आपके सिस्टम में घुस जाता है, जिंगल जैसा होता है, एक चीज़ को हैमर कर करके यू नो वो एक, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बस एक बार कोई गाना सुने, एक बार कोई गाना देखे, उसका हुक स्टेप पकड़ ले, उसकी जो कोरस है वो लोग समझ ले। इस गाने में वो बात नहीं है, ये गाना एक मेलोडी है, एक मीन के साथ वो एक तैरते रहता है, हवाओं में बहते रहता है ये गाना, तो बहुत ज़रूरी है कि इस गाने को आप 1-4 बार ज़रूर सुने। और ये जैसे एक किसी सुई की इंजेक्शन लगती है ना, वो सुई किस पॉइंट पर जाके चुभ गई आपको समझ में नहीं आता, लेकिन उसका असर होने लगता है धीरे धीरे, उस तरह का गाना है। तो ये आइडिया बहुत अच्छा था कि हम सब गाएं, और इस क्यूरियोसिटी में कि अच्छा अब उनका वर्जन सुनते हैं, अभी उनको सुनते हैं, उस चक्कर में गाना आप सुन रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार आप सुनेंगे उस गाने को, और कहीं ना कहीं वो गाना आपके सिस्टम में बस जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में आप सारी मार्केटिंग, सारी चीज़ें बस यूट्यूब व्यूज़, यूट्यूब हिट्स, उस पर लगे हुए हैं लोग, तो गाना पॉपुलर हुआ नहीं हुआ वी हैव नो क्लू,
लेकिन इसके साथ चाहे आपके व्यूज़ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस गाने को लोग सुनेंगे और इट्स वर्थ इट। जैसे जैसे आप उस गाने को सुनेंगे आप में एक टेस्ट बढ़ेगी, एक समझ बढ़ेगी, एक सोच बढ़ेगी, जो म्यूज़िकली एक कहीं ना कहीं एक ग्रोथ जो कम होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस गाने से काम आएगा। मुझे नहीं पता कि इतना सोनू जी ने भी सोचा था इसके ऊपर कि नहीं, लेकिन मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं आज यहाँ आकर कि इतना खूबसूरत गाना है। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि हर एक इंसान की नज़रिया अलग होती है। अभी हम 6 अलग सिंगर थे लेकिन 6 इंसान भी तो हैं, तो 6 इंसानों की अलग अलग नज़रिया थी, एक्सप्रेशंस अलग थे सबके, सबकी अपनी एक अंदाज थी उस गाने को गाने के लिए। तो ये सिर्फ 6 तक सीमित नहीं हो सकती, हर एक की एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़िंदगी को देखता है या देखती है। तो ये एक एक सीख मिली कि हर कोई हम अलग हैं। साथ साथ ये नहीं है कि आज आशा जी ने इस गाने को गाया है, अगर जिसको ये पता नहीं हो कि आशा जी गा रही हैं, आशा जी कितने सालों से गा रही हैं, आशा जी की एक्सपीरियंस उम्र क्या है, को लगे है कोई कोई यू नो एज इज़ नो फैक्टर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको सुनकर आप सिर्फ गाने को महसूस कर रहे हैं, एक आवाज़ को महसूस करके एक सामने एक चेहरा आ रहा है, बहुत ही कमाल का उन्होंने गाया है। और इससे ये सबक या ये सीख होती है, जो आप यंगस्टर्स हैं आपको लगता है कि यार हम लोग यंग हैं, हम इनके साथ हमारा क्या है, हम अपने यंगस्टर्स के साथ रहेंगे कूल रहेंगे, लेकिन उम्र तो सबकी होने वाली है। सबसे यंग आशा जी हैं एट 85, सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप उस मानसिक स्टेट में रहें जहाँ आप जब यंग हो आप में उतनी मैच्योरिटी हो, जब आप मैच्योर हो आप में उतनी यूथ हो, तो बात बनती है। नहीं, मैं बिग बॉस नहीं देख पा रहा हूँ, एक दो बार अनुप जी को देख लिया, मज़ा आ गया, वो भी हमारे बहुत ही सीनियर, क्या हमारे बहुत ही चहीते हैं। मैं जो बात कह रहा था ना यंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स में भी मैच्योरिटी होनी चाहिए और मैच्योर लोगों में भी यंग यूथफुलनेस होनी चाहिए, तो उसका कमाल का एक परफेक्ट उदाहरण हमारे अनूप जी हैं। फॉरएवर यंग, फॉरएवर रिलैक्स्ड, चिल्ड आउट, कोई उनमें कोई ईगो या कोई ऐसा इशू है ही नहीं, तो बहुत मस्ती में रहते हैं, मज़े में रहते हैं। एंड आई एम श्योर बिग बॉस हाउस में उनकी ज़रूरत है, उनको यू नो एक मैच्योर इंसान की सोच की ज़रूरत है वहाँ। और साथ साथ हमारे एल्बम में अगर वापस आए तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि हमारे इस ग्रुप में जहाँ आशा जी हैं, अलका जी हैं, लेडीज़ फर्स्ट जैसे कहते हैं, फिर ऑफकोर्स हमारे मेरे गुरु सुरेश वाडकर जी, अभिजीत दा, हमारे अनदर मोस्ट यंग मोस्ट यूथफुल अभिजीत दा, एंड ऑफकोर्स सोनू, दो ही इज़ यंगर टू मी इन एज बट इन एक्सपीरियंस, वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इस ग्रुप में मैं सबसे जूनियर हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ। सो फॉर मी इट्स अ लॉट ऑफ, मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच।